हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपका भी वीज़ा कभी रिजेक्ट हुआ है, जैसे बड़ी कंट्रीज़ कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो इन कंट्रीज़ का आप वीज़ा ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा शेंजन का। दोस्तों, आप ट्राई करिए शेंजन वीज़ा। जो मैं कंट्रीज़ की लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, इन कंट्रीज़ का अगर आप वीज़ा ट्राई करते हो तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कृपया वीडियो के साथ बने रहिए। जैसे हमेशा की तरह मैं अलग अलग कंट्रीज़ में घूमता हूँ, तो आपके लिए ये वीडियो मैं हंगरी से बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हंगरी पे अभी लोडिंग लोड के लिए आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा सा एक गांव है हंगरी का, और जहाँ पे मैं लोडिंग के लिए आया हूँ। तो हर एक तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ यूरोप के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ जिन भाइयों को नहीं पता। मेरा नाम गोपी है और मैं 1.5 साल से यूरोप में ऐसे ट्रक ड्राइवर काम करता हूँ। अलग अलग कंट्रीज़ घूमने का मौका मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शेंजन वीज़ा लेने के दो तरीके हैं, एक तो है सी वीज़ा, एक है डी वीज़ा। अभी सी वीज़ा जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मान लो 3 महीने से कम, 90 डेज तक मैक्सिमम। और जो डी वीज़ा होता है वो 90 डेज के ज़्यादा रहने के लिए होता है, जैसे आपने 90 डेज एक कंट्री में ज़्यादा रहना है तो उसके लिए आपको डी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वो मैटर नहीं है कि आपका टूरिस्ट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है, या फिर वर्क वीज़ा है। तो आज मैं आपको सी वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्टली जो लोग टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं वो लेस देन 90 डेज के लिए होता है। तो सी वीज़ा के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेंजन वीज़ा होता क्या है, इसका नाम शेंजन क्यों रखा है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कौन कौन सी कंट्रीज का जो शेंजन वीज़ा इजीली आपको मिल सकता है इंडिया से, या फिर कहीं दूसरी कंट्री से भी, जैसे दुबई, ओमान वगैरह से। और तीसरा आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने प्रिपेयर करने हैं शेंजन वीज़ा के लिए, आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो कृपया आप वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कंट्री में घूमने के लिए जाना चाहते हो और कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं कि किसी भी शेंजन कंट्री का आप वीज़ा ले लेते हो तो आप दूसरी कंट्रीज में इजीली ट्रेवल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी बॉर्डर, कोई भी यहाँ पे सिस्टम नहीं है। एक कंट्री का वीज़ा आपका लग गया तो बाकी की 28 कंट्रीज में आप इजीली घूम सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शेंजन जो है उसका नाम कैसे पड़ा, ठीक है। आपको बता दूं कि जो शेंजन का नाम आया है, ये एक लग्जमबर्ग का एक छोटा सा टाउन है शेंजन, जिसका नाम ही शेंजन है। तो वहां पे 14 जून 1985 को एग्रीमेंट हुआ था 5 कंट्रीज के बीच, जिस 5 कंट्रीज थी उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी वजह से उसका नाम शेंजन रख दिया था, क्योंकि वो शेंजन टाउन के अंदर हुआ था। तो दोस्तों, 5 शेंजन जो कंट्री थी उसका नाम है बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स। एग्रीमेंट क्यों किया गया था, इसका कारण ये था कि ये जो कंट्रीज थी अपने बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहती थी विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 2024 में अभी 29 कंट्रीज टोटल हो चुकी हैं, रोमानिया एंड बुल्गेरिया को जोड़ करके। उसके पहले जो क्रोएशिया थी 2023 जनवरी में शेंजन में एंटर की थी, तो अभी टोटल 29 कंट्रीज हो चुकी हैं शेंजन में। तो ये तो बात हो गई शेंजन की कि शेंजन होता क्या है। अभी आई होप कि आपको काफी हद तक पता चल गया होगा कि ये शेंजन होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी जो 5 कंट्रीज है जो आपको इजीली वीजा दे सकती हैं इंडिया से, या फिर किसी भी और कंट्री से, जैसे एशियन कंट्री से। तो वन बाय वन मैं आपको सभी बताने की कोशिश करता हूं, तो आप कृपया वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा किसी भी शेंजन कंट्री का लेना चाहते हैं तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जेन्युइन होने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा के मत काम कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपका एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक लगाए हैं आपने, तो आप हो सकता है आपको बैन कर दिया जाए शेंजन वीज़ा के लिए। कंट्रीज जो आपको इजिली वीज़ा दे सकती हैं उनका नाम है 1 आइसलैंड, 2 फिनलैंड, 3 लातविया, 4 लिथुएनिया और 5 जर्मनी। सबसे पहले मैं आइसलैंड की बात करता हूँ। आइसलैंड का जो वीज़ा सक्सेस रेट है 98.5% के आसपास है, इसका जो रिजेक्शन रेट है ओनली 1.9% है। तो बात करता हूँ दूसरे देश फिनलैंड की। फिनलैंड का जो करंट रिजेक्शन रेट है ओनली 2.2% है, इसका मतलब है कि 98% ऑलमोस्ट इसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है टूरिस्ट वीज़ा का,
ये जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ टूरिस्ट वीजा की ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं तीसरे देश की, लातविया की। लातविया का जो अप्रूवल रेट है 97.9% है, यानी कि 98% ऑलमोस्ट। तो ओनली 2.1% जो है रिजेक्शन रेट है। ये मैं नहीं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आप भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों लिथुएनिया की बात करूं तो लिथुएनिया में जो रिजेक्शन रेट है ओनली 1.3% है, जो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सक्सेस रेट है इसका। ऑलमोस्ट 98% से ज़्यादा जो लोग हैं वो वीज़ा पा लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। तो दोस्तों अब बात करता हूँ जर्मनी की। जर्मनी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है 90% के आसपास है, तो इसका मतलब है कि 10% जो उसका रिजेक्शन रेट है। लेकिन जर्मनी का अगर वीज़ा आपको मिल जाता है तो ये काफ़ी स्ट्रांग माना जाता है। तो आप कोशिश करिए, अगर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, आपकी ITR वगैरह जाती है इंडिया में, तो आप जरूर ट्राई करिए जर्मनी का। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जो शेंजन वीज़ा जिसको हम बोलते हैं उसकी फीस कितनी है? वो सिर्फ 80 यूरो है। 80 यूरो फीस अगर इंडिया में कन्वर्ट करें तो लगभग 7,000 रुपया बनता है इंडिया का। तो उसी चीज़ का एजेंट लोग आपसे 12, 13, 14 लाख तक भी मांग लेते हैं। तो होता कुछ भी नहीं है, वो खाली जो उसका तरीका सही होना चाहिए अप्लाई करने का। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। उसके साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, जो शेंजन वीज़ा के लिए होती हैं। वो आप चेक कर सकते हैं गूगल में कौन कौन सी उसकी डिमेंशन है। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसकी वैलिडिटी अगर 6 महीने है तो ज़्यादा बेटर है, अगर 3 महीने भी है तो भी चल जाएगा, 3 महीने से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी आइटनरी होनी चाहिए। अभी आइटनरी क्या होती है? आइटनरी होती है आपकी फ्लाइट की टिकट, आपकी फ्लाइट की जाने की टिकट और वापसी आने की टिकट। उसके ऊपर पूरा मेंशन रहे आपका नाम, फ्लाइट का, फ्लाइट की पूरी डिटेल, वो सब उसको कवर करता है आइटनरी को। उसके बाद आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। अभी कुछ लोग जैसे घूमने के लिए जाते हैं किसी विजिट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी के मॉम है, किसी के डैड है जो फॉरेन में रहते हैं, तो उसको उनको मिलने के लिए जाना है, तो वो विजिटर वीजा होता है। तो उसमें आप सोचिए पाती है कि वो जो भी बंदा है आपका, जो भी रिश्तेदार है, उसकी तरफ से एक स्पॉन्सरशिप लेटर आती है कि मेरे पास ये बंदा आके रहेगा। तो उस केस में जो अकोमोडेशन प्रूफ है वो आपका जो रिश्तेदार है वही वो शो करेगा, ठीक है? अगर वो आपकी स्पॉन्सरशिप नहीं है, अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो, घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, तो उसके उस हालात में आपके पास होटल की कन्फर्म रिजर्वेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो प्रूफ होना चाहिए कि आपने 80 यूरो जो फीस पे करी है एम्बेसी की, और इसके साथ साथ आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो कि 30,000 यानी कि 30,000 यूरो तक का जो टर्म आपका कवर करती हो। और इसके साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट, दोस्तों बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बैंक स्टेटमेंट ही एक प्रूफ है कि आपका जो इनकम सोर्स है क्या है इंडिया में लगा लो, चाहे कहीं पे भी लगा लो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप जॉब करते हैं, या फिर आप बिजनेस करते हैं, जो भी है, ठीक है, या फिर आप स्टूडेंट हैं। तो इस हालात में दोस्तों आपको जो अच्छी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होगी, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप कोई सिंगल पर्सन जा रहा है तो कम से कम 4 से लेके 5,000 यूरो इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो 3.5 से 4 लाख या 4.5 लाख तक की बैंक स्टेटमेंट जो आप बना लो तो ज़्यादा बेटर है, यानी कि 4 लाख से ऊपर की होनी चाहिए। तो सिंगल पर्सन के लिए, अगर 2 पर्सन है तो लगभग 6 से 7 लाख की बैंक स्टेटमेंट है तो चल जाएगी। और जो बंदा एम्प्लॉयड है, जैसे किसी की जॉब करता है, तो उसको अपने मालिक से, यानी कि कंपनी से एक लेटर लेना होगा कि मैं इतनी देर के लिए घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरे को प्लीज़ जो मेरी वकेशन है अप्रूव की जाए। तो उस हालात में वो आपको एक लेटर इशू करके देते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से ये लीव लेटर लेना होता है, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है दोनों के लिए, ठीक है? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी शो कराना पड़ेगा, अपनी आपकी कंपनी है कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ और मेरे पास ये इसका बिजनेस चल रहा है, मेरा रनिंग में है,
तो मैं ये बिजनेस जो है इतने दिनों के लिए अपने किसी दूसरे बंदे को सौंप के जा रहा हूँ, बस ये चीजें आपने शो करनी है। तो दोस्तों ये हो गया शेंजन वीजा के बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए मेरे से तो आप मेरे को ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेरी तरफ से कंसल्टेंसी चाहिए शेंजन वीजा के रिलेटेड, टूरिस्ट वीजा, गेस्ट वीजा के रिलेटेड, तो मैं उसकी उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस लूंगा आपसे शेंजन वीजा अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।